आज हम बात करेंगे भारत के सिंगर्स के बारे में जिनके गाने काफी फेमस है और इन्हें आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। जी हाँ, ऐसे सिंगर जिन्हें आप हरदम सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है क्योंकि इनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास है जो उनके दिल को छू लेती है। हम सभी लता जी के दीवाने हैं और क्यों ना हो जब उनकी आवाज ही इतनी सुरीली हो। आपको बता दें कि लता जी ने लगभग 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं जो कि जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। वे दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 36 भाषाओं में गाने गाए हैं। लता जी को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। येसुदास। येसुदास एक ऐसा नाम है जिनका नाम संगीत जगत में हमेशा अमर रहेगा। ऐसा माना जाता है कि येसुदास ने लगभग 80,000 गाने अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं। ये एक ऐसे मेल सिंगर हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से 7 बार सम्मानित किया जा चुका है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहां रे। मोहम्मद रफी। लता जी की तरह मोहम्मद रफी साहब ने भी काफी सारे गानों में अपनी आवाज दी है। ऐसा माना जाता है कि रफी साहब ने लगभग 28,000 गाने 11 भाषाओं में गाए थे। रफी साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन दिनों रफी साहब और लता जी की जोड़ी कमाल की थी और बॉलीवुड में लगभग हर गाने में प्लेबैक सिंगर ये दोनों थे। कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है। किशोर कुमार। किशोर कुमार के बारे में तो क्या ही कहना, और इन्होंने एक्टिंग और संगीत दोनों में अपना करियर बनाया था। किशोर कुमार ने लगभग 2,000 गाने गाए थे। किशोर कुमार जी को संगीत के लिए काफी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। उदित नारायण। उदित नारायण बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम है और इन्होंने अपने करियर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा गाने 36 भाषाओं में गाए हैं जो कि बेमिसाल है। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ तक कि उदित जी को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुमार सानू। कुमार सानू ने हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारे गाने गाए हैं। कुमार जी का रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक दिन में 28 गानों की रिकॉर्डिंग की थी जो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। अलका याग्निक। अलका याग्निक जी ने हिंदी सिनेमा जगत में काफी सारे गाने गाए हैं। इनके नाम लगभग 25,000 गाने केवल हिंदी सिनेमा में ही है। इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अरिजीत सिंह। आजकल अगर गाने में कोई मशहूर है तो वो है अरिजीत सिंह। यूथ इनकी फैन है और मॉडर्न जनरेशन को इनकी आवाज बहुत सुरीली लगती है। अरिजीत अक्सर बंगाली और हिंदी में ही गाना गाते हैं। हम तेरे